शी जिनपिंग चीन चाइना के आईटीबीपी की हाँ वो भी गए थे उधर साबरमती और अब आईटीबीपी जो चाइना बॉर्डर को संभालता है और उनका जो है देखिए वो बर्फ पे रहते हैं वो आईटीबीपी का जानती इन सर्विस ऑफ द नेशन राष्ट्र की सेवा में विषय को चरितार्थ करते हुए आईटीबीपी की ये झांकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक बहुआयामी बल है और इसका गठन भारत चीन सीमा विवाद के दौरान 1962 में हुआ था। ये सर्वाधिक प्रतिकूल क्षेत्रों और वातावरण में सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए जानी जाती है और आज सुबह हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से -30 डिग्री में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा फहराया था और ये तस्वीरें दिल्ली राजपथ की आईटीबीपी की झांकी आगे की ओर बढ़ती हुई और अब देखें जनजातीय कार्य मंत्रालय की ये झांकी जो उचित दाम हक से मांग इसको प्रदर्शित करती हुई मंत्रालय ने लघु वन्य उत्पाद क्षेत्र के लिए युगांतरकारी स्कीम को दर्शाया है। मंत्रालय के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और लघु वन्य उत्पाद के लिए पारिश्रमिक मूल्य और जनजातीय लोगों के लिए सुरक्षा कवच और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए स्वच्छ और पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये झांकी बनाई गई है खास तौर से तैयार की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय हाट बाजार भी वहां पर लगा हुआ है। देखिए किस तरह से बिल्कुल हम तो बताया जाता है जंगल में पहुंच गए ट्राइबल एरिया में हम पहुंच गए वो ट्राइबल एरिया आपको राजपथ पे आज दिख गया और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं देखिए तिरंगा लहराता हुआ हमारी आन बान शान का ये प्रतीक दुनिया देख रही है इस वक्त हिंदुस्तान की ताकत छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बेहद रोमांचित होते हुए जब कैमरा उनके पास गया और अब युवा मामले और खेल मंत्रालय खेलो इंडिया को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी जो हर एक युवा के लिए बेहद खास है बेहद खास बन जाती है ये झांकी। देखिए किस तरह से इस झांकी को प्रदर्शित किया गया है और यहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौर खड़े होकर उत्साह वर्धन करते हुए इस झांकी पर जिन लोगों की मौजूदगी है और तमाम बड़े चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं इस झांकी के साथ। झांकी में शिक्षा के साथ साथ खेलों के एकीकरण और देश में खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करते हुए खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। मुक्केबाजी बिल्कुल खेलो इंडिया द यूथ ऑफ इंडिया आर द फ्यूचर द स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द फ्यूचर एंड आप देख रहे हैं कि ये झांकी में उन्होंने जो दिखाया है जोश दिखाया है कि खेलो इंडिया हमारा ओलंपिक्स में एशियन गेम्स में दर्जा आगे बढ़ेगा। और इसके पिछले भाग में झांसी इस झांकी के पिछले भाग में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की प्रतिकृति के अंदर ग्लोब के ऊपर प्रसिद्ध अर्जुन पुरस्कार की प्रतिमा को दिखाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जबकि झांकी के दोनों साइड्स पर कराटे और शतरंज खेल को दिखाया गया है। झांकी के दोनों साइड्स पर खेल की उन हस्तियों को भी दिखाया गया है जिन्होंने अपने खेल में बुलंदियों को छुआ है। और अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बिल्कुल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दिखा रहा है आपको मिश्री खेती खुशियों की खेती। देखिए खाने के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा एग्रीकल्चर के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ेगा और भारत अब काफी दम लगा रहा है और लाइफ स्टॉक काउ बफलो शीप प्रैक्टिस बाय 80% ऑफ इंडियाज हाउस होल्ड पोल्ट्री पिगरी एग्रीकल्चर इसको बहुत दिखा रहे हैं तो अब ये सब झांकी में दिखाई दे रहे हैं आपको कि कितना काम करता है बेचारा किसान और उसको क्या नतीजा मिलता है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ इंडिया फसल कटाई के मौसम में किसान को अपनी मेहनत का फल मिलता है और वो अपनी इस खुशी को लोकगीतों और लोक नृत्य के साथ जाहिर करता है। वही इस झांकी में इस वक्त आप देख रहे हैं प्रस्तुत झांकी में महिला और पुरुष किसान अपनी खुशियों को असम के लोक नृत्य बिहू के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। हिंदुस्तान गांवों में बसता है
किसानों में उसकी आत्मा बसती है और उसी को प्रदर्शित करती हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये झांकी मिश्रित खेती खुशियों की खेती को प्रदर्शित करती हुई। और अब देखिए बेहद खास झांकी आयकर विभाग स्वच्छ धन को दर्शाती हुई ये झांकी केंद्र सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से आयकर प्रमुख है और कुल कर राजस्व में इसका 50% योगदान है। जयंत सिन्हा खुशी के मारे खड़े हो गए और तालियों के साथ इनका उत्साह वर्धन कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिखा रहा है क्लीन मनी। और मुझे ये लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन पे कुछ भी बात बोलिए, ये सागर मंथन था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आइडिया थी अचानक आ गई, लेकिन सागर मंथन की तरह अब जो नेक्टर निकलेगा आगे जाके बढ़के क्लीन मनी काला धन कम करने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी आपको दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी कितना फ्रेंडली हो गया है तो ये मैं सच समझता हूँ। रिपब्लिक डे परेड जो इस टाइम यहाँ पे साइड में वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड वो सब लगे हुए, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी तकलीफें हुई थी लेकिन आप देखिए सागर मंथन में भी तकलीफ होती है लेकिन उसके बाद जो नेक्टर जो निकलता है वो निकलता है आपके लिए वो कितना मीठा होता है वो आगे जाके पता चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मींस क्लीन मनी। और यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बता दूं फिलीपींस की ओर से उनके प्रमुख भी इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, भारत सरकार को लेटर लिखा गया है और इसमें फिलीपींस सरकार ने भारत से आधार स्कीम के बारे में पूरी जानकारी की गई है और उसमें अपील की गई है कि भारत ने आधार को कैसे इम्प्लीमेंट किया और ये सिस्टम कैसे काम करता है इसकी पूरी जानकारी हमें भारत फिलीपींस को मुहैया करवाए, तो ये भी अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और अब अगली झांकी इस वक्त बिल्कुल CPWD दिल्ली का दीपावली मना रहे हैं। वो कैसे दीपावली मना रहे हैं? फूलों के साथ। मैंने बताया ये तमाम फूल दिल्ली के बाहर से नहीं आए हैं, ये तमाम फूल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ CPWD ने बनाए हैं, दिए बनाए हैं, रंगोली बनाई है, सब फूल के साथ बनाए उन्होंने। और देखिए नेचुरल ब्लूम हो रहा है, दिया भी बनाए हैं, तो ये गॉडेस लक्ष्मी फूलों से पूरा सजा दिया गया है। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से नवाजे गए जो बच्चे हैं अब वो इस वक्त मुख्य सलामी मंच के आगे की ओर से प्रस्थान करते हुए सजीत हजी जीपों पर सवार देश के इन बहादुर बच्चों का जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना धैर्य और सूझबूझ के साथ मुसीबत की घड़ी में जबरदस्त बहादुरी का प्रदर्शन किया। इस साल राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार के लिए 18 बच्चों का चयन किया गया था, इनमें 7 लड़कियां 11 लड़के जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 बच्चों को ये पुरस्कार मरणोपरांत भी प्राप्त हुआ है। बिल्कुल ये बच्चों ने कितनी उनकी बहादुरी दिखाई है, भारत अवार्ड कुमारी नजारिया उत्तर प्रदेश, गीता अवार्ड कुमारी नेत्रवती, संजय अवार्ड मास्टर करणबीर सिंह पंजाब से आए, बापू गांधी अवार्ड मास्टर विजनवाल बेगलिंग मेघालय से और कुमारी ममता उड़ीसा से। और देखिए कितनी खुशी से वो हाथ मिला रहे हैं और कितनी खुशी होगी कि उनकी जो बहादुरी थी देश ने रिकग्नाइज की है। और ये देखिए मंच के ऊपर देख रहे हैं हमारे राष्ट्रपति भी कितने खुश होंगे। और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हर एक माँ बाप के लिए कि इन बहादुर बच्चों की किस्से वो अपने बच्चों को जरूर सुनाए ताकि उनके बच्चे भी जब भी वक्त मिले जब भी जरूरत पड़े धैर्य का परिचय दे सूझबूझ से काम ले और अपनी बहादुरी दिखाएं। ये है ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।